नमस्ते बच्चों, तो आज हम एक और साइज पेपर से मोबाइल स्टैंड बनाना सीखेंगे। मैंने एक पहले ही मोबाइल स्टैंड बना रखा है, ये देखिए। तो इसमें आप अपना मोबाइल रख करके आप आराम से देख सकते हैं, ये बहुत उपयोगी है। ये सब बनाने के लिए हमें पहले A4 साइज का पेपर लेना है, हमें इसमें स्केल की आवश्यकता पड़ेगी, पेंसिल, स्केच कलर, अगर आपके पास कलर पेपर हो तो कलर पेपर, वरना कोई जरूरी नहीं, और फेविकोल। हमें इन सब मटेरियल की हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हम उसको बनाकर देखते हैं। तो कैसे बनाते हैं आप सभी ध्यान से देखें और घर पर बनाकर देखें। देखिए, ये A4 साइज पेपर है, हमें इसकी चौड़ाई और ये कोने, हमें इसका ध्यान रखना है। जब हम इसको मोड़ेंगे तो इन कोनों के बराबर मिलाते हुए मोड़ेंगे। जब ये बराबर मिल जाएंगे फिर हमें इसको यहाँ से दबाना है, ठीक है। फिर हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमें बीच सेंटर पर एक लाइन दिखाई देगी जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी। जैसे ये बीच लाइन हमें दिखाई दे रही है, हमें फिर इन कोनों से बीच सेंटर से मिलान करना है। इस प्रकार से इसके अपोजिट भी इसी तरह से हमें इसको मोड़ना है, पर ध्यान रहे इस बात का कि पेपर बिल्कुल सही मुड़े, इसको दबाए बाद में, पहले आप इसको सही से मोड़ लें। देखो, हमने दोनों साइड अपोजिट इसको मोड़ा है, जो बीच की लाइन हमें दिखाई दे रही है बीच सेंटर की, हमें उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार और इसे मोड़ना है। तरफ भी हमें ऐसे ही मोड़ना है जैसे हमने इसको पहले मोड़ा था। ये हमें मोड़ना है और इन लाइनों को अच्छी तरह से हमें दबाना है। दबाने से होगा कि फिर ओपन नहीं होगी। अब हमें करना क्या है, अब जो ये लाइन है छोटी वाली, हमें इसको यहां से बराबर मोड़ना है, वो एक हिस्सा इसमें ओपन हो रहा है और एक बंद है। तो हमें क्या करना है, स्केल की सहायता से अब आपको इसमें देखना है, ये सेंटीमीटर, ये 0 सेंटीमीटर, 1, 2 और 3, 3 सेंटीमीटर तक हमें इस पर निशान लगाना है। जो लास्ट का जो 3 सेंटीमीटर है उसको बीच में लेकर के नीचे वाली साइड में, और जो 0 सेंटीमीटर है 0 सेंटीमीटर में निशान लगाना है। अब 3 सेंटीमीटर का आधा क्या होता है, 1.5, तो देखो 1 और ये 5, हमें इस 1.5 सेंटीमीटर में निशान लगाना है, ठीक है। इसके बाद हमें इसको हटाना है यहाँ से, जब जहाँ हमने लास्ट का जो 0 सेंटीमीटर लिया था वहाँ से हमें इसको ऊपर की तरफ मोड़ना है। इस प्रकार से करेंगे, ये लाइन दिखाई दे रही है, फिर हमें इस लाइन के बराबर भी मोड़ना है। अब आप जब लाइन के बराबर मोड़ेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर का इसमें अपना एक लाइन बन जाएगी। हम इसको अब ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद 1, 2, 3, 4, 4 भागों में ये डिवाइड होता दिखाई दे रहा है। अब हमें करना क्या है, जो तो लास्ट की जो लाइन है ये, और इधर की लास्ट लाइन है ये वाली, तो हमें जो इस कोने को या इस भुजा को हमें यहाँ तक मोड़ना है और इसको अच्छी तरह दबाना है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें अपोजिट साइड भी जो लास्ट की लाइन है वहाँ तक इसे मोड़ना है और फिर हमें इसे दबाना है। इसे अच्छी तरह दबाए, अब देखें क्या करना है आपको,
ये काम होने के बाद 1, 2, 3, 4 जो लास्ट वाला जो लास्ट वाली हमें दिखाई दे रही है भुजा, हमें इस पर फेविकोल की सहायता से ऊपर की तरफ फेविकोल लगाना है और फेविकोल लगाने के बाद हमें इसे ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है हमें इसको यहाँ से इसको चिपकाना है, इसे अच्छी तरह चिपका ले, इसे अच्छी तरह आप चिपका ले, तभी अच्छी तरह चिपक जाए। उसके बाद हमें इनको इसके अंदर डालना है, ठीक है, ये अच्छी तरह चिपक जाए। इसको थोड़ी सी देर हम हाथ का दबाव दे करके इसे अच्छी तरह थोड़ी देर दबा के रखेंगे ताकि अच्छी तरह चिपक जाए और इसको हम अच्छी तरह से ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे। तो ये एक मोबाइल स्टैंड हमारा बन चुके तैयार है। अब हम इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, जैसे मैंने इसमें एक फेस दिया है, सिंपल सा फेस दिया है। अगर आप चाहो तो इसमें किसी जानवर का फेस भी दे सकते हैं, जैसे मेरे पास एक ब्लैक शीट और एक पिंक पेपर है, तो मैं इससे इसको एक नया रूप देता हूँ। अब आप बताना कौन सा जानवर का रूप दिया है मैंने, जैसे मैं इसको यहाँ से काट के दो काटेंगे तो ये दो बन जाएंगे इस तरह से अलग से। हमें एक ही निकालना है। अब स्केल की सहायता से स्केल का उपयोग बाद में करेंगे, पहले हमें जो ब्लैक शीट हमने काटी थी इसके हमने त्रिभुज बनाए और इस त्रिभुज पर हमने फेविकोल लगा करके एक को हमें ना चिपकाना है। आगे वाला हिस्सा ये है, ध्यान रखना कहीं पीछे छुपा दो और एक तो में एक में इधर चिपकाना है, थोड़ी सी देर दबा के रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। ध्यान रखे इस बात का छोटा बड़ा ना हो, आप अच्छी तरह देख ले। ये मैंने कान बनाए ऊपर की साइज बराबर हो, इस चीज़ का ध्यान रखें सभी। और आप चाहे तो और कुछ नया रूप भी दे सकते हैं अपने मन से, जैसे मैं इसको एक कैट का रूप दे रहा हूँ और आप इसको अगर अलग से नया रूप देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। ये चिपक चुका है, इस पर मैं अब आंख बनाऊंगा। जो बीच की जो हमें लाइन दिखाई दे रही है इसके यहां से एक ही साइज के दो गोले बनाना है, दो बीच वाले गोले को भर सकते हो आप, ठीक है। इसमें हम दिखा सकते हैं, अब ये थोड़ा सा हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लो। छोटा हो जाए तो हमें इसको चिपकाना है, यहाँ से बीच में चिपकाएंगे। यहाँ एक नाक सी बना करके
रूप दिया है। इस तरह से आप भी अपने मोबाइल स्टैंड को कोई भी नया रूप दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें मोबाइल हमारा सही दिख पाता है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास मोबाइल है, तो हम देखते देखा आराम से मोबाइल इसके अंदर आ गया। अब इस तरह से मोबाइल रख कर देख लेते हैं, ये आराम से मोबाइल इसके अंदर फिट बैठ रहा है। तो आप सभी बच्चे इस तरह का मोबाइल स्टैंड बनाकर देखें। धन्यवाद।